नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में हैं। कुछ देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसे भरत गिल के साथ किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर बर्बरता हुई और वो हर्ट पेशेंट है उसे बाहर निकालकर फेंक दिया गया और ये कहा गया कि तुम काले हो इसलिए तुम्हारा इलाज हम नहीं करेंगे। जनाब, अब हॉस्पिटल में भी ये कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अब गोरों की और कालों की वार्ड अलग अलग कर दीजिए, अमीरों की गरीबों की वार्ड भी अलग अलग कर दीजिए, ताकि किसी को कोई आपत्ति ना ही डॉक्टर को इलाज करने में, ना ही मरीजों को कोई दिक्कत हो। और डॉक्टर भी उसी तरह के रखिए कि काले लोगों की वार्ड में काले डॉक्टर, गोरे लोगों की वार्ड में गोरे डॉक्टर, अमीर लोगों की वार्ड में अमीर डॉक्टर, बड़े बड़े रसूखदार, और गरीब लोगों की वार्ड में आम डॉक्टर। चलिए, इस समय हमारे साथ राजिंदर जी हैं, राजिंदर थापा, डॉक्टर राजिंदर थापा, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने भी दौरा किया था, सरप्राइज विजिट किया था, तो इन पर एफआईआर लगी थी। अब देखना ये है कि जो आज हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के साथ हुआ और ये धमकी दी गई है कि आपको कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे अगर आपने आवाज़ बंद नहीं की, उनके साथ हाथापाई भी की गई है, अब उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखना है। चलिए जानते हैं, राजिंदर जी क्या कहेंगे आज जो पूरा हवा क्या हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवरेज देने आए हैं। आपने देखा मैडम जी, मैंने वही चीज़ बताई है कि वो भरत मसी है, जब वो रात को उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट का पेशेंट है, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अटैक हुआ है और उसको हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट भी वो ऑलरेडी ले रहा था। ये अटैक उसको कुछ देर पहले हुआ था, अब वो उस ट्रीटमेंट में था, रात को उसको सीवियर चेस्ट पेन हुई है, हार्ट अटैक का फिर अटैक आया है, माइल्ड अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो पेशेंट शिफ्ट हुआ यहाँ एमरजेंसी में। अब जब उसको देखा गया, उसकी ECG वगैरह की गई, उसको लेफ्ट बंडल ब्लॉक आया है हार्ट में, उसका मतलब कि उसका हार्ट जो है लेफ्ट साइड से ब्लॉक हो गया था। तो वो ये सीरियस मैटर है, सुबह से वो बाहर खड़ा था सर। तो ये होता क्या है कि हमारा एक साइड से जो एक साइड से हार्ट जो है वो काम करना बंद करता है, बाकी साइडें चलती रहती हैं, ऑल्टरनेट रूट होते हैं जो बिल्कुल यानी कि फंक्शन जो है वो चलते रहते हैं। हाँ, इसको धीरे धीरे अगर ब्लॉकेज होती जाएगी ना, तो फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो हार्ट अटैक जो है फिर बढ़ जाता है। ये पेशेंट रात को जब इसको डॉक्टर ने देखा या नर्स ने देखा, इसको टीका लगाना था, तो इसको पूछा भी तेरा नाम क्या है, तो इसने बोला कि मेरा नाम भरत मसी है। जब नाम सुना कि भरत मसी है, रंग काला है, इसने बोला तू काला है, तेरा लाज यहाँ नहीं चलेगा, तो इसको बाहर निकाला गया। ये थैंक गॉड है कि इसको लेफ्ट बंडल ब्लॉक था, सीवियर हार्ट अटैक नहीं था। अगर सीवियर अटैक होता तो ये रात का ही इसकी डेथ हो जानी थी। ये एक साइड से इसका ब्लॉक था, जिसकी वजह से ये बंदा अभी भी ये जिंदा है और अभी ये सीवियर पेन में चल रहा था। पर अभी भी सुबह 8 बजे से लेकर ये बंदा बाहर था, हमने प्रिंसिपल को कॉल की पर उनके PA ने उठाया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, ना ही बाहर कोई सुपरिटेंडेंट आया, ना कोई CMO आया, ना ही कोई सुदबुद लेने आया। अगर इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? और जब यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से हमने बात करने की प्रयास किया परिसर में, हम अंदर नहीं गए, हम रूल्स को नहीं तोड़ते, उन्होंने कहा जी कैमरे बंद करो। मैंने इतनी किस किस्म की दादागिरी चल रही है यहाँ पर। देखो, ये पेशेंट खजल हुआ रात को, सुपरिटेंडेंट साहब को आप फ़ोन करोगे वो भी बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ, प्रिंसिपल जी को फ़ोन करोगे वो भी हमेशा बिज़ी रहते हैं। ये एस्केपिंग टेंडेंसी है जो इस गवर्नमेंट में चल रही है। आपको कभी भी सिंपल आप सीधा फ़ोन नहीं कर सकते प्रिंसिपल को, उनका PA उठाएगा और कोई ना कोई बहाना लगा देगा, ये मीटिंग में है, वहाँ गए हैं, यहाँ पर कार्यरत हैं, मैं यहाँ CMO रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम। चीज़ बताइए, यहाँ की प्रावधान है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ स्ट्रक्चर के पैसे लगते हैं क्या? हाँ, स्ट्रक्चर के पैसे लेते हैं, लेते हैं यहाँ। ये स्ट्रक्चर के पहले पैसे नहीं लेते थे हम क्या करते थे कि हम स्ट्रक्चर देते थे, हमारे साथ यहाँ 4th क्लास एम्प्लाई होते थे, वो उनके स्ट्रक्चर वापस लाते थे। अब धीरे धीरे ये इन्होंने क्या किया कि 100 रुपया स्ट्रक्चर का रखना शुरू हो गया, ताकि स्ट्रक्चर जो है वापस दे, और फिर वो पैसे हम उनको वापस दे देते थे। अब क्या 500 सुना है, 200 लेते 300 पेशेंट का, कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी कहता है अंदर जाने का 200 रुपया, कभी मांगते कभी 300 रुपया, कभी 100 रुपया मांगते हैं। नहीं, अब अगर कोई इमरजेंसी में आता है, परेशानी में आता है, पेशेंट को अंदर पहुंचाना, अगर उसके पास 100 रुपया नहीं है तो ये कौन सा असूल है? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो 100 रुपया किस बात पर? स्टेचर कहाँ लेकर जाएगा? स्टेचर को चोरी करने वाली चीज है क्या? पर्ची के 10 रुपए दो, 30 रुपए इन्होंने फाइल के रखे हैं, उसी समय बाजार से दवाई भी लानी है, उसी समय अल्ट्रासाउंड के पैसे ले रहे हैं, अगर उसका MRI कराना उसके पैसे लेने हैं, या पेशेंट बाहर भेजना है वो कमीशन खानी डॉक्टरों ने, उसके पैसे लेने हैं। तो फिर प्राइवेट पेशेंट यानी इधर मुझे ये समझ नहीं आती, जब सीनियर डॉक्टर भी इधर नहीं होते तो हम लोग जाएं कहाँ?
यहाँ PGG होते हैं, आपने सुना होगा जब मैं पहले आए थे PG दो डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे, पेशेंट जहाँ यहाँ नाक से कान से खून से बह रहा था वो एक डेढ़ घंटे से उसको नहीं देख रहे थे। जब ऐसी कंडीशन होगी फिर कहते हैं मीडिया वाले आज ये इसी जगह, मैडम जी आपने देखा मीडिया आया क्योंकि 100-200 बंदा यहाँ खड़ा था, तब पुलिस का एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब हम तीन थे हमें 2-2.5 घंटे यहाँ रेस्ट किया गया और हमारा कसूर कोई नहीं था, हम पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाने आए थे। क्या किसी अपने रिश्तेदार को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए पूछने आना भाई यहाँ भाई डॉक्टर साहब चढ़ा दो? क्या ये गुनाह है? क्या आप आम आदमी आके पूछ नहीं सकता कोई रिश्तेदार भाई या इसको ग्लूकोज चढ़ा दो? अब देखना कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। इन पे कुछ नहीं होगा, देखो ये छोड़ जाएंगे, बोलने वाले बंदे हैं, इतनी दुनिया इनके साथ है, हम अकेले थे, हमारे लिए कुनो ना। धन्यवाद सर। बताया आपको डॉक्टर राजेंद्र जी ने क्या कहा कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए।